एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास मेरा अपाचे वापस से, और मैं आज इसमें और कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ये अमेज़न का प्रोडक्ट रखा हुआ है जो आज ही आया है पार्सल। तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना ही दिया जाए। और मेरे पास ये मार्कर पेन्स हैं, तो ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पेन्स नहीं है, ये पेंट मार्कर है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड दिस कैन बी यूज, ये देखो, ग्लास, मेटल, स्टोन, प्लास्टिक, वुड। तो मैं इससे क्या करने वाला हूँ, मैं एक्चुअली इससे पहले भी कर चुका हूँ अपने बाइक पे काम, बट मैं आज इसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा यूज़फुल हो आपके लिए। और एट द सेम टाइम मैं इनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो यू कैन ऑल्सो बाई देम एंड यूज़ देम। तो पहला, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा इस पेन के बारे में, बिकॉज मैंने इसे पहले यूज़ किया है और ये प्रोडक्ट को तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा कितना हेल्पफुल है और कैसा लगता है बाइक में। मुझे वो भी पता नहीं कि बाइक में कैसा लगेगा देखने में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो, ये देखो, मैंने इस पेन से पेंट किया था इसको। एंड देन ओके, इस साइड नहीं जाता, इस साइड देखते, ये देख रहे हो, ये देखो मैंने पेंट किया था। तो इसे पेंट किए हुए ना मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया गाइस। मैं आगे में भी किया था, ये देखो, मुझे इसे पेंट किए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। और 7 to 8 months तक इसका कंडीशन बहुत अच्छा था। रेनी सीजन है ना, विंटर, रेन में बहुत चला। आप ये देखो अभी भी सही है। इसको मैंने दोबारा एक्चुअली किया था, इसलिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है, बट पीछे वाला मैंने नहीं किया इसलिए चला गया। तो आई कुड से अगर आप इसको वन टाइम पेंट करते हो अच्छे से, तो भाई 6 months तो आराम से चलेगा। तो यस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड बाय दिस प्रोडक्ट्स। ये पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, बट मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए यूजफुल था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टिकर थे इसके ऊपर लगा करके सिर्फ 2 लगाते हैं, बिकॉज सारे रिम्स में लगाने से ना ये नहीं अच्छा लगने वाला, और आपको इसको मेजर करने में ना बहुत प्रॉब्लम होगा। ये कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, तो इसका जो मेजरमेंट है इज़ गोना बी अ बिग इशू। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको हम सीधा ऐसे लगा देंगे, ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे करके, ताकि ये चीज़ देखने में भी ख़राब ना लगे और हमारा ओरिजिनल स्टिकर भी मुझे निकालना ना पड़े, क्योंकि उसको बैठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। तो इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट डज रिक्वायर सम हार्ड वर्क। आप देखो कैसा लग रहा है, अब लग रहा है ना अच्छा, पहले उससे बेटर लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेढ़ा है इधर में, बट मैं उसको अवॉइड करूँगा क्योंकि इसको सीधा करने के चक्कर में मेरा बहुत बैंड बज रहा है, बट आई थिंक स्टिल लुक्स गुड। चलो लेट्स वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द रिंग। तो गाइस, अब मैंने ना इसका भी यहाँ से निकाल के पीछे वाले टायर के जैसा कर दिया। अभी इसका लुक्स कुछ ऐसा आ रहा है दोनों साइड का। तो देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसको लगाओ, और मैं क्विकली इसको कलर भी कर देता हूँ, फिर मैं आपको ओवरऑल इसका लुक दिखाता हूँ बाइक का। मैं खाली इसको वन साइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूँ कि कैसा लगेगा ये। अगर अच्छा लगा तो मैं दूसरा साइड करूँगा, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगा, इसको जस्ट वन साइड करके छोड़ दूँगा। तो ये मेरे पास ये पैन है, अब मुझे इसे स्लोली स्लोली करना होगा, बहुत जेंटली। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसे वाइट पेंट कर दिया है, और यह है रिज़ल्ट उसका। और ये टेप लगा हुआ है, तो आगे में भी हो चुका है, आएगा मैं दिखाया तो आपको, तो कुछ ऐसा लुक्स आ रहा है ओवरऑल, ये देखो। तो आप पीछे के टायर को, आगे का टायर को तो घुमा के घुमा नहीं सकते, बेसी पीछे के टायर को घुमाते और दिखाते हैं आपको कि चलते समय बाइक कैसा रहेगा। देते रहे बस गाइस, कुछ ऐसा लुक्स आ रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी लगवाना है तो आप भी परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
और ये मुझे कुछ पड़ा आई थिंक 219 रुपीज़ का, ये पूरा आई थिंक इट हैज़ 16 पीसेज या ऐसा कुछ पीसेज है इसमें, और इसका मुझे प्राइस मेरे को याद नहीं है, बट लिंक में मैं इसका प्राइस ज़रूर डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा और इसका प्राइस भी डाल दूंगा। तो होपफुली गाइस आपको अच्छा लगा हो, इसको शॉर्ट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछो, और ऐसा वीडियोज़ आता रहेगा मॉडिफिकेशन का, ये बाइक फुल्ली चेंज हो जाएगा, तो स्टे ट्यून एंड अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो होपफुली वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी।